विश्व पर्यावरण दिवस पर हमीरपुर के गांधी चौक पर राजेंद्रा लोटस पब्लिक स्कूल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने लोगों को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। बच्चों ने नाटकों के माध्यम से संदेश दिया कि जगह जगह पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। बच्चों ने गीत संगीत के माध्यम से पेड़ लगाने का आह्वान भी किया। वहीं इस मौके पर स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनको देखकर हर कोई दंग रह गया। वहीं राजेंद्रा लोटस पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर गांधी चौक पर बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक करके लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चों द्वारा लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में भी बताया गया। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, इससे पर्यावरण को बचाने में योगदान दिया जा सकता है। आज जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, पर्यावरण जागरूकता दिवस जो है वो हमारे स्कूल के बच्चों की तरफ से है। ये हमीरपुर में ये गांधी चौक पर कैंप लगाया जा रहा है। हमीरपुर के पूरे शहर में इसके अवेयरनेस कैंप के जरिए लोगों को अवेयर करने के लिए पर्यावरण भी निकाली गई है। इसको और अवेयर करने के लिए जो हमारे बच्चों की तरह नाटक के द्वारा, ड्रामा के द्वारा, स्किट के द्वारा, गाना के द्वारा, ये इस तरह के स्पीचेस के द्वारा जो है बच्चों ने जो प्रस्तुतियाँ दी हैं। और हमारा एक ही मकसद है कि आज के दौर में जो पर्यावरण की स्थिति हो चुकी है, प्रदूषण जो फैल चुका है, उसको जो है वो हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम जो भी उसको किया जाए, उसको रोका जाए और पर्यावरण को साफ सुथरा बनाया जाए। हमारा प्रयास, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड के पूरे दुनिया में जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तरह तरह के कार्यक्रम, तरह तरह के अवेयरनेस कैंप, तरह तरह की गोष्ठियाँ जो है वो आयोजन की जा रही है। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें उसके बारे में अवेयरनेस की जा रही है। और साथ साथ में जो है वो ये भी अवेयर किया जा रहा है कि हमें वो स्रोत जो है अपनाने हैं जिनके जरिए जो पर्यावरण हमारा गंदा नहीं होता है। तो ये सारे प्रयास में एक किसी इंस्टीट्यूट का नहीं है और एक किसी व्यक्ति का नहीं है, ये सभी का मिलजुल करके हम सभी का प्रयास है। तभी जो है जिस टाइम समस्या जो है गंभीर हो चुकी है तो उसको भी तभी किया जा सकता है, हम सब मिलजुल करके प्रयास करें। इस प्रयास में ही हमारे स्कूल के ये बच्चे जो हैं, लोटस पब्लिक स्कूल के जो स्कूल के बच्चे हैं, ये अपना योगदान दे रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम अपना योगदान तो पूरा देंगे ही देंगे और सभी से उम्मीद है कि अपना योगदान हम जरूर देंगे, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है। अगर हम इस तरह ध्यान नहीं देंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हमें जो है सर्वनाश से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए आज से ही हम ये प्रण भी ले रहे हैं यहाँ पर, हमारे बच्चे तो अक्सर ये प्रयास करते ही रहते हैं, लेकिन हम सभी से ही मैसेज देना चाहती हूँ कि एक जैसे कि हम अपना जन्मदिन मनाते हैं तो जन्मदिन मनाने पे हमें उपहार दिया जाता है या उपहार हम, तो हमें सभी को अपने जन्मदिन पर अगर हम एक एक पेड़ भी लगाएं तो कितने पेड़ हमारे, कितने करोड़ों की आबादी है और कितने पेड़, करोड़ों के पेड़ जो हैं वो हो जाएंगे तो कहाँ की बात कहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरा ये है कि हमारे जो कूड़ा कचरा होता है उसकी जो उसको कैसे उसको करना है, उसको कैसे स्कैटर फेंकना है, उसको डंप करना है, किस तरह से, इन सारी चीज़ों के लिए हमें अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए।